चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा का आज क्विक रिवीजन। इसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस की अप्रोच बताऊंगा कि कैसे करना है। जिस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन किया, कैलकुलस का किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का किया, अब हम एलजेब्रा पे आते हैं क्योंकि एलजेब्रा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एलजेब्रा के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये पेपर का लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक से आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। पहले आप भी अच्छे से सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं आपको साथ जो पेपर डिस्कस करता हूँ उसमें थोड़ा स्पीड के साथ करता हूँ, उसका रीजन ही यही है कि आप भी इसी स्पीड इसी एनर्जी के साथ करें क्योंकि आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं। बाकी रहा सवाल, जब मैं फाउंडेशन या बेसिक पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली वो काफ़ी स्लो स्लो हम वैसे ही करते हैं, बट जब बात आती है कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो फिर हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमारी स्पीड बहुत मायने रखती है। अब देखिए जैसे इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये सेट का भी बोल सकते हैं और एक्चुअल में तो ये ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? लेट पी इक्वल टू थीटा सच डैट साइन थीटा। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स के, उन्हीं क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस में रिपीट करवाने का पर्पज है कि आप समझें कि जब कोई क्वेश्चन दोबारा आए तो कैसे करना है। रूट टू कॉस थीटा एंड क्यू क्या दिया हुआ है? क्यू दिया है थीटा सच डैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा बी टू सैट, इसलिए इसको अलजेब्रा में लिया है। अब आपको पता है अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है, इसको स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है। इसका मतलब पी किसके इक्वल हुआ? पी किसके इक्वल हुआ? क्यू के। ये कई बार करा हुआ क्वेश्चन है कि इसको आप स्क्वायरिंग कर दें, किसी को भी कर दें, राइट? इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया था, बस याद ये रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको वन नहीं लिखना, अगर इसको वन लिख दिया तो मिस्टेक होगी। इसको ट्रांसफर करिए तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसको वापस क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप वापस लिख सकते हैं रूट टू कॉस थीटा था यहाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जिसको रूट टू साइन थीटा लिखा जा सकता है, इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए साइन से साइन एक रूट टू कॉस थीटा, यानी दिस इक्वल टू दिस, तो एक दूसरे के स्क्वायर से बनता है, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी ढेली पी इक्वल टू क्यू। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता चलूंगा, साथ में बताता चलूंगा कि क्या करना है। कुछ क्वेश्चन जहाँ पे लगेगा हिंट देने से काम हो जाएगा वहाँ पे हिंट दूंगा। पर्पज एक ही है कि आप किसी भी तरह से हर टॉपिक पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड बनाएं जो मेजर टॉपिक्स हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो 2 में क्या है? इफ ए इक्वल टू 0500 एंड एफ एक्स इक्वल टू है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स पावर 16, देन आपसे एफ ए पूछा है क्या होगा। एफ ए पूछा है मतलब लॉजिकली देखें तो आपको ऐसा पूछा, एफ ए मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, इस तरह का है। अब लॉजिक से देखें तो 1 मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, यानी 1001 प्लस, अगर मैं एक ही बात करूं तो 0501 0, यानी एक बात तो समझ में आती है कि 1501 के बाद स्क्वायर क्यूब ये सब मिलेगा, राइट? अगर ध्यान दें तो इस तरह का केवल एक ही ऑप्शन है, वो बी, तो आप डायरेक्टली बी लगा सकते हैं क्योंकि इतने का सम तो ये हो ही गया, प्लस कुछ भी करोगे तो इससे ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। यानी मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कई जगह पर अगर हम लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो आप एक चीज़ समझेंगे कि हम आंसर्स के पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। देखिए 0511, अब अगर आप ध्यान दें तो ये एक चीज़ पक्की है कि ये तो हो गया प्लस समथिंग है, तो अगर आप देखें तो ये केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी अगर आप कॉन्फिडेंस के लिए चाहो तो आपको भी पता, जब ए स्क्वायर करोगे तो क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें ऐसा करोगे आप तो जब भी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या होगा, इसका इसके साथ क्या 0, इसका किया तो 0 0 0, यानी ए स्क्वायर और उसके हायर डिग्री सब 0 हो जाएंगे, तो बचा हुआ आंसर ये हो गया 1501, यानी बी इज अ राइट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और कुछ चीज़ें आप याद रखिए इन क्वेश्चन के साथ साथ। मेरा एक पर्पज और भी है कि आप बेसिक रिवीजन भी करते चलें, कहीं कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उससे रिलेटेड थ्योरी करते हुए चलें, क्योंकि लास्ट टाइम में
अगर आपने एक बार हर टॉपिक के क्विक रिवीजन और क्विक फॉर्मूले देख लिए तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखें तो देखिए 3 में क्या है, द कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ 1 - 2x + 3x² - 4x³ up to ∞ power - n इज। अब जैसे ही आया तो इसी समय अगर आप सारे फॉर्मूले का रिवीजन कर लेंगे तो बेस्ट होगा। 1 + x⁻¹ क्या होता है 1 - x + x² - x³, राइट, या 1 - x⁻¹ हो तो सारे टर्म प्लस के हो जाएंगे। ये छोटे छोटे अगर आप रिवीजन करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके इस कोर्स को इंक्रीज करने में ये सब छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करेंगे। 1 - x²-2 हो तो 1 + 2x + 3x² + 4x³, राइट। 1 + x²-3 हो 1 - 3x + 6x² - 10x³, ऐसा चलेगा। अगर माइनस हो दोनों में तो पूरा ही आंसर प्लस हो जाता है। आप देखिए ये 1 - 2x वाला है, इसका मतलब आप इसे ऐसा बोल सकते हैं 1 + x²-2 whole power - n, यानी डायरेक्टली आप लिख सकते थे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखते और इसमें x⁻n का कोफिशियंट बोला है, यानी 2nc n, डायरेक्टली आप आंसर बोल पाते, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझते हैं और क्या करना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, कई क्वेश्चंस काफी इजी हैं, उनकी मैं आपको हिंट भी देता चलूंगा। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x²-px + r = 0 एंड α/2, 2β बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x²-qx + r = 0 देन द वैल्यू ऑफ r। आप से r की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन कुछ इस ढंग के हैं 2/9 p - q 2q - p, इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो पहले आप एक बात समझिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना है p, अल्फा बीटा कितना है r, आपसे r की वैल्यू पूछी। यहाँ पर देखें तो α/2 + 2β कितना है q, और यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा r ही मिलेगा, वो दोनों जगह सेम ही आएगा, राइट। अब आपका काम केवल इतना सा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको आपस में आप मल्टी इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो α + 4β = 2q, राइट। यानी आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं α + β + 3β = 2q, α + β की वैल्यू कितनी है p + 3β = 2q या 3β = 2q - p अब देखिए एक बात बताइए आपको करना क्या है यहाँ पर, इसमें 3β, ये बीटा की वैल्यू एक तरह से आ गई 2q - p / 3, राइट। इसी तरह से बिल्कुल सेम अगर मैं यहाँ पर बीटा की वैल्यू रख दूँ तो मुझे अल्फा की भी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा और आप अल्फा बीटा यहाँ रख देंगे तो डायरेक्टली r मिल जाएगा। अब मैंने बीटा की जगह देखिए क्या रखा 2q - p / 3 = r, देन α = 3r / 2q - p, अल्फा और बीटा यहाँ रख दें तो आपको डायरेक्टली r मिल जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा और कैसे सॉल्व करना है। इसमें एल्जेब्रा के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ये टॉपिक वाइज पेपर सॉल्विंग अप्रोच से आप कहीं ना कहीं अपने स्कोर को डेफिनेटली बढ़ा पाएंगे। फिर भी हर एक टॉपिक्स पे कमांड जब भी आएगा जब आप बेस फाउंडेशन बहुत अच्छा बना के चलेंगे। अब देखिए 5th क्वेश्चन में बोला है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर sin² 18° एंड cos² 36°, राइट। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये हों। अब एक बात समझिए, sin² 18 और cos² 36 एक तरह से अल्फा है एक तरह से बीटा है, राइट। sin 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4, cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। अगर आपको इनका मल्टीप्लाई करने को बोल दिया जाए sin 18
इंटू कॉस 36, तो आपको एक तरह से a माइनस बी ए प्लस बी मिलेगा, यानी 5 माइनस 1 बाय 4 यानी 1 बाय 4 मिलेगा। और अगर मैं बोल दूँ स्क्वायर कर दो साइन स्क्वायर 18 इंटू कॉस स्क्वायर 36, तो आपको 1 बाय 16 मिलेगा। यानी आंसर में एक बात पक्की है कि 16 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर जरूर आएगा, राइट? अच्छा, इन दोनों को मैं अगर बोलूँ आपसे कि ऐड कर दो, पर ऐड करते समय स्क्वायर करके ऐड करना है, तो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बाय 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 बाय 16, ये स्क्वायर किया अलग से, अब ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखनी, 16। अब जब ऐड करेंगे तो ये 6 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये आपस में कैंसिल, तो एक तरह से 12 बाय 16 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 बाय 16 एक्स प्लस 1 बाय 16 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ राइट आंसर, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और जब ये एग्जाम में आया था तो इस समय इसमें थोड़ा सा डेटा इनकरेक्ट था तो कैंसिल था, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, अभी तो करेक्शन करवा दिया है। क्या है देखिए, सपोज दैट, क्वेश्चन 6 देखिए क्या है, सपोज दैट एम एन एन आर फिक्स नंबर सच दैट दे आर इन एचपी, ओके, दे आर इन एचपी, एमथ टर्म ए एन इज इक्वल टू एन, एंड एनथ टर्म ए एन इक्वल टू एम, एम नॉट इक्वल टू एन बोला है, देन आपसे पूछा है एम प्लस एन टर्म क्या होगा, राइट? एम प्लस एन टर्म क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझे हम, तो इसको मेथड से कर सकते हैं। और क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले समझिए, एम एच पी की बात कर रहे हैं तो एच पी का एम एच टर्म होगा 1 अपॉन ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल टू एन, यानी ऐसा बोल सकते हैं ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाय एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाय एम। इमेज स्टेप कम से कम लिखिए, इसको इससे माइनस करिए, डी कॉमन आएगा, सीधा सीधा एम माइनस एन बचेगा, यहाँ पर भी m माइनस एन अपॉन एम एन मिलेगा, यानी d इक्वल टू 1 अपॉन एम एन, डी का ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो a मिल जाएगा कितना 1 अपॉन एन, यानी m माइनस एम कैंसिल तो 1 अपॉन एम एन ही मिलेगा, ये a आ गया। अब जैसे आपसे m प्लस एन टर्म बोला है, m प्लस एन टर्म तो क्या होगा 1 अपॉन a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 अपॉन, अब देखिए mn ऊपर आ जाएगा, यहाँ मिलेगा 1 प्लस m प्लस एन माइनस 1, यानी एम एन अपॉन एम प्लस एन इज अ राइट आंसर, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका अगर आपका बेस क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4 एंड देयर अर्थमेटिक मीन ए एंड ज्योमेट्रिक मीन जी सेटिस्फाई द रिलेशन 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27, देन द टू नंबर आर। अब देखिए हार्मोनिक मीन है 4, अब आपको नंबर बताने, एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे 4 एंड 2 ऑप्शन दिया है, 6 एंड 3 दिया है, 5 एंड 7 दिया है, एंड 4 एंड 1 दिया, क्यों ना हम इसको ऑप्शन से कर लें। हार्मोनिक मीन होता क्या है टू नंबर का, सिंपल 2ab अपॉन a प्लस बी, तो मान लो 2 इंटू 4 इंटू 2 करोगे तो 8 बाय 6, इससे देखिए 4 नहीं मिलेगा, ख़त्म, इस पे आ जाइए तो 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 9, इससे मिल सकता है 3 टाइम कैंसिल, ये 3 से 2 टाइम, यस, देन दिस इज द राइट आंसर। चेक करने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादा, आप इतने उसमें आंसर दे सकते हैं इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 8 की। 8 क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट, ये आपसे हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब आपको a मैट्रिक्स भी दिया है, a इक्वल टू दिया है इस तरह से, ये आप कर लेंगे, और b मैट्रिक्स दिया है
थ्री वन माइनस टू फाइव, तो आपको बताना है कि फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, एक्स बताना, तो एक्स क्या होगा माइनस टू ए माइनस बी, केवल इतना सा आप सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन सीधा सीधा आप लर्न करके रख सकते हैं, इसका प्रूफ डिटेल में करा हुआ है कि इसमें क्या बोला है, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी द एल्टीट्यूड फॉर्म फ्रॉम द वर्टासेस ए बी सी ऑन अपोजिट साइड आर इन एच पी द साइन ए साइन बी साइन सी, ये हमेशा याद रखिएगा ए पी में ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ की, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x square माइनस 2x cos theta प्लस 1 इक्वल टू 0, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा पावर n एंड बीटा पावर n। देखिए क्या है, अगर हम समझें तो अल्फा प्लस बीटा है 2 cos theta, अल्फा बीटा है केवल 1, राइट। अब आपको अल्फा पावर n और बीटा पावर n वाली इक्वेशन बतानी है, मतलब आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन बतानी है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बता रहा हूँ, सबसे पहले सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर 1 होती, राइट, अगर 1 होती तो यही इक्वेशन मिलती, मान लीजिए 2 होती है n की वैल्यू तो क्या होता, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखते आप, तो देखिए क्या होता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मैं बोलूं भी तो आप लिखते अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, यानी लॉजिकली आप ऐसा बोलते 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा, यानी 1 पर 1 था 2 पर 2 हो गया तो 3 पे 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस एन थीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ये इसका सिंपलेस्ट तरीका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन है समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, देखिए 11 में बोला था इक्वेशन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, एक्स माइनस ए का क्यूब एक्स माइनस बी का क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का क्यूब इक्वल टू 0 हैज ऑल 3 रियल रूट्स, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, 3 रियल रूट्स नॉर्मली एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी जेड इक्वल टू सी नन ऑफ दिस। देखिए रूट्स ए बी सी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस समय ये 0 होगा उस समय ये नहीं होगा, जिस समय ये होगा उस समय ये नहीं होगा। अब ये लॉजिकली देखें तो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, अगर पावर इवन होती तो कोई भी रियल रूट नहीं होता। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझने के लिए ऐसा सोचिए कि अगर मैं ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 3 ले लूँ तो क्या होता, राइट। या ए बी सी इक्वल भी कुछ बोला नहीं, अगर ए बी सी इक्वल भी ले लें तो इसका मतलब ए ए ए, तो एक रूट तो कन्फर्म है कि रियल मिलेगा ही। मान लीजिए आप सेम लेते, थोड़ा देर के लिए सोचिए, तो एक्स माइनस ए का 3 टाइम्स होता तो एक रूट तो आप बोल सकते हैं रियल होगा, राइट, एक रूट तो रियल होगा। अब बचा क्या है, बाकी के रूट्स आपको देखना है। जैसे अगर मैं 1, 2, 3 लिख दूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है समझना, क्यूब है सब जगह। अगर आप मान लीजिए इसमें x की जगह 1 से कोई भी छोटा, मान लो आप x की जगह ठीक 1 भी रखते, राइट, 1 रखते तो क्या मिलता, नेगेटिव 1 पे, 2 रखते तो ठीक 0, 3 रखते, 3 रखते तो कितना हो जाता है, ये देखिए 3 - 1 ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, अभी बाय चांस की बात है कि 2 रखा 0 हो गया, नहीं भी होता तो एक बात समझिए, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब 1 रियल रूट मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, इसमें 1 रियल रूट हमेशा मिलता है एंड 2 इमेजिनरी रूट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है सबसे, लेट ए एंड बी टू सेट कंटेनिंग 4 एंड 2 एलिमेंट, ठीक है, ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी मान लीजिए, एंड बी में एलिमेंट है मान लो 2, तो 1, 2 ले लिया। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए क्रॉस बी में पूछा है, सुनिए क्वेश्चन क्या, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए। तो पहले अगर मैं लॉजिक से देखूँ तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट होंगे 8, कैसे,
A1 4 into 2 ऐसे A2 फिर B1 से लेके ये D2 तक, यानी ऐसे 8 एलिमेंट हुए। तो नंबर ऑफ सबसेट हुए 2 पावर n, यानी 2 पावर 8, 256। पर आपको बोला एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो, तो 0 एलिमेंट वाला नहीं होगा, 1 एलिमेंट नहीं होगा, 2 एलिमेंट नहीं होगा। इसका जो रिजल्ट आए वो माइनस कर दीजिए, 8 × 7/2 = 428, यानी इसमें −37 करते हैं तो करेक्ट आंसर मिलेगा। क्लियर है बात, नोट करो क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इसमें केवल आपको ये करना, जैसे टू बिलोंग टू ए यूनियन बी इम्प्लाइज दैट इफ टू नॉट बिलोंग टू ए, इसमें बस आप वैल्यू लेके करेंगे सॉल्व तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए 14 नंबर का क्या क्वेश्चन है समझिएगा। 1/, ऐसे क्वेश्चन का भी एक डायरेक्ट पैटर्न मैंने बताया हुआ, ये कई बार आए हुए हैं, √2 + √3, इसमें डायरेक्टली जो टेक्निक बताई थी वो ध्यान रखिए कि इसको रैशलाइज करते हैं। अगर इसमें 1 का डिफरेंस है तो इससे मिलेगा 9 और इसके रैशलाइज से मिलेगा −1, 9 − 1 हुआ 8, यानी करेक्ट आंसर विल बी 8। इस तरह से आंसर देने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी निकलेगा। बस करना ये था कि रैशलाइज करा तो √2 − 1, नीचे 1 आएगा, यहाँ आएगा √3 − √2, देन 1, और ऐसा चलता जाएगा तो √81 − √80/1। अब देखिए सारे कैंसिल होंगे, ये −1 और ये √81 बचेगा, ये 80 है, तो 9 − 1 = 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, 3 पावर x = 4 पावर x − 1, देन x पूछा है तो इसमें केवल आपको लॉग लेना है। जैसे आप ये ऐसा है 3 पावर x = 4 पावर x × 4 पावर − 1, यानी अगर लॉग लेंगे तो x log 3 = x log 4 − log of 4। तो x कॉमन ले लें, इधर आ गया तो log 4 upon log 4 − log of 3, इसको 2 log 2 भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको 2 log 2 भी लिख सकते हो। आप देखो जिस फॉर्मेट में आंसर दिया वो फॉर्मेट भी देखना है, अगर इसका बेस कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर आपको पूरे का ही बेस में 3 मान लूँ, मान लीजिए 3 3 3, किसी को भी ले सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 2 log base 3 2 upon 2 log base 3 2 − 1, यही फॉर्मेट दिया हुआ है। आप बेस कोई भी ले सकते हैं, बस बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक्सेप्ट 1 होना चाहिए, बस यही एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा। 16 क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 पावर x − 3 × 2 पावर x + 3 + 128 = 0। द सम ऑफ रूट्स पूछा है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा 2 पावर 2x − 3 × 2 पावर x × 2³ = 8 8 = 24 + 128 = 0, ऐसा है क्वेश्चन। यानी लॉजिकली देखें तो 2 पावर x को y, तो y² − 24y + 128 = 0, राइट। तो y − 16 y − 8 = 0, तो y = 8 and 16, y यहाँ रख दो तो x की एक वैल्यू आ गई 3, एक आ गई 4। तो सम ऑफ रूट्स पूछा है, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स इज 7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्वेश्चन है, 17 देखिए, 17 क्वेश्चन में बोला गया है, 17 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन k − 2 × x² + 8x + k + 4 = 0 हैज बोथ रियल डिस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज बोथ रियल डिस्टेंट एंड नेगेटिव रूट्स। नेगेटिव रूट्स का मतलब होता है, हमेशा याद रखिए, पूरी इक्वेशन थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगी। कोई भी इक्वेशन अगर नेगेटिव रूट्स है तो जैसे ही है, अब इसकी पूरी इक्वेशन के तो इसके रूट जब भी नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर 1 कि k − 2 > 0
यानी k ग्रेटर देन 2, इवन k प्लस 4 ग्रेटर देन 4 0 लिखेंगे, पॉजिटिव ही होगा, k की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी। अब इसमें ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जैसे अगर मैं ऑप्शन देखूं तो एक दिया 0, एक दिया 2, एक दिया 3, एक दिया -4, जरूरत ही नहीं, 0 हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता, 0 हो जाएगा, -4 नहीं हो सकता, नेगेटिव हो जाएगा, बचा 3, देन दिस इज द राइट आंसर। यानी आप क्वेश्चन किस पैटर्न से दे रहे हैं इस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छे से कि आप आंसर के देने का आपका तरीका क्या है, सब कुछ इस पे ही डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक से आंसर दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें हम, तो 18 में क्या बोला है, 18 में बोला इफ पी इक्वल टू, इफ पी इक्वल टू साइन की पावर 20 थीटा प्लस कॉस की पावर 48 थीटा, देन द इनइक्वलिटीज दैट होल्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपसे बोलूंगा मेथड की जगह मैं लॉजिक से बताता हूं। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, साइन और कॉस की वैल्यू कभी एक ही समय में सेम नहीं होती, यानी ये जब जीरो ये होगा तो ये नहीं होगा, जब ये जीरो होगा तो ये नहीं, यानी इसका रिजल्ट जीरो कभी नहीं होगा, तो जीरो इक्वल टू वाला खत्म। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी भी 1, यानी अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि जबकि दोनों एक साथ मैक्स नहीं होते, 1 और 1 2 भी मान लें, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो 10 भी हो सकता है, 2.5 भी नहीं हो सकता, बचा आंसर ये। देखिए 0 हो नहीं सकता और 1 हो सकता, 1 क्यों, क्योंकि जिस समय ये 1 होगा ये 0, जिस समय ये 0 होगा उस समय ये 1, तो करेक्ट आंसर इज, मतलब आप अगर इसको मेथड से करने में उलझेंगे तो हो सकता है आपका टाइम लग जाए, पर अगर आप लॉजिक से करेंगे तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 क्या क्वेश्चन है, 19 समझिए, 19 क्वेश्चन में बोला है, और देखिए सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं अच्छे से, डिटेल में पढ़ाई हुई, इसलिए हम आज स्पीड में सॉल्व कर पा रहे हैं। इफ एक्स वाई जेड आर 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर देन लॉग 1 प्लस एक्स जेड इज, ये आपसे पूछा है राइट। अब एक्स वाई जेड आर 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, तो 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट प्लस 1, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 5, 6, 7, देखिए 7, 5 जा 35 प्लस 1 36, 6 का स्क्वायर 8, 9, 10 देखिए 81, यस और नो, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको ऐसा बोला है लॉग 1 प्लस एक्स जेड मतलब लॉग वाई स्क्वायर, यानी 2 लॉग वाई जा राइट आंसर। तो एक चीज़ आप अच्छे से समझिए कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे कम से कम स्टेप, हर क्वेश्चन नहीं होगा स्पीड में पर मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं बोल सकता हूँ कि 60% क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं अगर कंसेप्चुअल पढ़ाई करी तो। अब मैं जो स्पीड में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसका रीज़न ही यही है क्योंकि फाउंडेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा, एक एक चीज़ को समझ के पढ़ा और उसी के बेस पे इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो आप इन चीज़ को समझें और इसी ढंग से पढ़ें, जो नए लोग नए स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि आप कभी भी ट्रिक्स पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ, लॉजिक पे जाओ, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, अपने आप कंसेप्ट बढ़ेंगे राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 19, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब ये देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है अ प्रोफेसर हैज 24 टेक्स्ट बुक्स, 24 टेक्स्ट बुक है टोटल ऑन कंप्यूटर साइंस, इज कंसर्न्ड अबाउट द कवरेज ऑफ टॉपिक, पी को जो बोलना है वो बोलना है कंपाइलर, क्यू को बोलना है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड आर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये कंपाइलर हो गया। अब आपको बोला क्या सुनिएगा, द फॉलोइंग डेटा गिवन द नंबर ऑफ बुक्स दैट कंटेन मटेरियल ऑन दीज, आपके पास क्वेश्चन है आप देखते चलो। देखिए कंपाइलर की 8 बुक्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर की 13 हैं। अब इस क्वेश्चन की मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली कर सकते हैं और साथ में फिर एक वेन डायग्राम से भी करते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू दिया है 5, पी इंटरसेक्शन आर दिया है 3, क्यू इंटरसेक्शन आर दिया है 6 एंड पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर दिया है 2, वेयर एन एक्स
is the quantity of the set x, then the number of textbook that have no material on compiler. मतलब ऐसी कितनी बुक होंगी जिसमें कंपाइलर ना हो, तो कंपाइलर ना हो ऐसी 8 बुक्स हैं. सॉरी, कंपाइलर हो ऐसी 8 बुक है और टोटल कितनी है 24. तो 24 माइनस 8 जब करेंगे तो कितना मिलेगा 16. तो राइट आंसर विल बी 16. ये सबसे सिंपल तरीका हो सकता है. अब दूसरा अप्रोच ये आप लगाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक पूछा है कि ऐसी बुक्स बताना जो कंपाइलर नहीं है, बस खत्म. अब अगर लॉजिकली देखें तो ये करना ऐसे था कि ये कंपाइलर हो गया, ये डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. तीनों वाले कितने हैं 2. फिर क्यू इंटरसेक्शन आर कितना है, क्यू इंटरसेक्शन आर है 6, मतलब 4. पी इंटरसेक्शन आर कितना है, पी इंटरसेक्शन आर है 3, तो ये हो गया 1, राइट. फिर है 5, तो ये हो गया 3. क्लियर है बात, अगर आप मेथड से कर रहे होते तो. अब जैसे P कितना है 5 प्लस 1 6, तो ये 2, ये टोटल 8 हो गया. Q कितना है 13, तो 7 टू 9, तो ये हो गया 4. एंड 6 प्लस 1 7, 7 ये हो गया तो 6. अब आपको ये बोला है कि जो कंपाइलर ना हो इसको माइनस कर दो, तो इसको माइनस कर दो मतलब 8. अब बची कितनी, ये 2 बाहर भी होंगी क्योंकि आप इसको जब ऐड करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 प्लस 6 22, यानी ये टोटल 22 है. तो 2 बुक्स यहाँ बच गई. पर आपको यही एक चीज़ याद रखनी है कि अब ये टोटल इस 8 को माइनस कर दो 24 में तो बची हुई बुक. पर ये देखिए ये एक लॉन्ग टाइम हो गया थोड़ा सा, ये आपने इजीली डायरेक्टली बता दिया. क्लियर है बात. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की. अब देखिए 21 क्वेश्चन में क्या बोला है, समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है आपसे अ मैट्रिक्स एम आर इज डिफाइंड, अ मैट्रिक्स एम आर इज डिफाइंड आर आर माइनस वन आर माइनस वन आर आर बिलोंग टू नेचुरल नंबर आर बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन द वैल्यू ऑफ. ओके, देखिए एम आर क्या दिया है, एम आर दिया हुआ है आर आर माइनस वन आर माइनस वन आर आर बिलोंग टू नेचुरल नंबर है. देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एम वन प्लस डिटर्मिनेंट एम टू प्लस डिटर्मिनेंट एम थ्री अप टू डिटर्मिनेंट एम टू जीरो वन फाइव तक आपको बताना है क्या होगा. ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं, देखिए 2014 स्क्वायर, 2013 स्क्वायर, 2015 एंड 2015 का स्क्वायर. अब देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल सा. पहले अगर आपसे मैं बोलूं कि M1 क्या होगा, तो आप M1 आप और इनके डिटर्मिनेंट बताने हैं, तो मैं अगर आपसे बोलूं M1 क्या होगा तो आप बोलते हैं 1 0 0 1, यानी 1. अगर मैं आपसे बोलता M2 क्या होगा तो आप बोलते हैं M2 में 2 1 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 1 3, राइट. अगर मैं आपसे बोलता, बस यहाँ पे समझ में आ गया क्या मिल रहा है, अगर मैं बोलता 3 क्या होगा तो आप बोलते 3 2 2 3 9 माइनस 4 5, यानी बेसिकली आपको ऑड टर्म मिलेंगे, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे कितने टर्म, 201 टर्म मिलेंगे, राइट. और ऑड टर्म की सीरीज का डायरेक्ट समेशन आपको पता है क्या होता है, एन स्क्वायर. तो इसका आंसर हो गया एन स्क्वायर, यानी 2015 का होल स्क्वायर. अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे सपोज एक एग्जांपल कि ये आया सम ऑफ ऑड टर्म, तो यहीं की यहीं रिवाइज कर लीजिए कि सम ऑफ इवन टर्म होता तो क्या होता, सम ऑफ इवन टर्म होता तो होता एन इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर होता तो क्या होता, एन स्क्वायर होता तो क्या होता, एन क्यूब होता तो क्या होता. तो ये जो मैं आपको टॉपिक वाइज ये पूरे पर्टिकुलर, जैसे कैलकुलस का रिवीजन करा या कोऑर्डिनेट का रिवीजन करा या प्रोबेबिलिटी का करा या सपोज एलजेब्रा का, तो उस समय इन टॉपिक्स के पूरे पूरे रिवीजन भी कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखते हुए चलना है. नोट कर लो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग में रखने वाला क्वेश्चन है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है समझते हैं और अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन में बोला गया है, 22 क्वेश्चन में बोला, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर
x and y are positive real numbers satisfying the system of equation x square plus y root x y equal to 336 y square plus x root x y equal to 112 then x plus y. अब थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कैसे करेंगे. ये x square है, logically देखें तो ये है x की पावर हाफ y की पावर 3/2, दिस इज 336. हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, x की पावर हाफ और y की पावर अगर हाफ कॉमन ले लें तो ये मिलेगा x की पावर 3/2, राइट, और यहाँ से मिलेगा प्लस. केवल एक काम करते हैं, x की पावर हाफ कॉमन ले लेते हैं, केवल x की पावर हाफ कॉमन लिया तो x की पावर 3/2 प्लस y की पावर 3/2 इक्वल टू 336 हो गया, राइट. सिंपली यहाँ पर y की पावर हाफ अगर कॉमन ले लें यानी रूट y, तो मिलेगा y का पावर 3/2 प्लस x का पावर 3/2, दिस इज 112. अगर मैं बोलूँ इन दोनों को डिवाइड कर दो तो लॉजिकली आपको x की पावर हाफ अपॉन, मतलब आपको एक तरह से मिला रूट x अपॉन रूट y इक्वल टू 1336 अपॉन 112, मतलब रूट x अपॉन रूट y इक्वल टू 3/1 या x अपॉन y इक्वल टू 9/1. अब अगर लॉजिकली देखें तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है देन x प्लस y क्या होगा. अब देखिए x प्लस y में ऑप्शन कुछ इस ढंग के दिए हैं, जैसे रूट 448 या रूट 224 या 20 या 40, तो लीस्ट आंसर पे जा सकते हैं. जैसे मान लो इसमें 2 का 18/2 भी लिख सकते हो, तो x को ले लो 18, y को ले लिया आपने 2, तो 18 प्लस 2 कितना हो गया 20. या फिर यहाँ पर वैल्यू रख के भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो. जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ, क्योंकि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आपके पास एक तरह से x की वैल्यू है 9y. क्या है x की वैल्यू 9y, तो अगर मैं x की जगह 9y रख दूंगा तो देखिए क्या आएगा, y square plus x into root, x की जगह रखा 9y into y equal to 112, right? x की जगह रख दिया कितना, यहाँ पे भी रख दो 9y, तो आपको मिला y square plus 27 और यहाँ पर आ जाएगा y square equal to 112, यानी y square equal to 28 हो गया ये, तो 28 का डिवाइड कर दो, तो 28 का डिवाइड किया तो 4, तो y इक्वल टू 2. अब y इक्वल टू 2 रख दिया तो x का वैल्यू मिल गया यहाँ पर 18. ये भी एक तरीका होता है, पर आप थोड़े से लॉजिक से बता सकते थे, पर आप पूरा भी करना चाहते तो इस तरह से कर सकते थे क्वेश्चन को. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा समझें. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है 23 में, अच्छा क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन में आपको गिवन है If the set A and B are defined as, if the set A and B defined as, A कैसे दिया है x comma y, ये क्वेश्चन केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, y equal to 1/x और B दिया हुआ है x comma y equal to -x. सिंपल सा लॉजिक है, y equal to 1/x मतलब ये हो गया, y equal to -x ये हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा. आपसे पूछा ये गया है कि A intersection B क्या होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, राइट. नोट कर लीजिए, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे 24, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिएगा और क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी देखिएगा. 24 क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीरीज -1² + 2² - 3² + 4² - 5² + 6² सम अप टू 20 टर्म. अगर आप लॉजिकली देखें तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, पहले इवन वाले अलग लिख लूँ, तो 2² - 4² - 6² - 20², राइट. माइनस ऑफ 1² + 3² + 5² + 7², बस इसको अलग अलग ऐड करना है आपको. यहाँ पर इवन वाले टर्म है, चाहो तो आप इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, मतलब आप अगर इसको 2² बाहर निकाल लो
तो यहाँ मिलेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा देखिए ये हो गया 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 3 तो 3 का स्क्वायर, ऐसे आपके पास टोटल 10 टर्म है ओनली, ध्यान रखिएगा अप टू 10 स्क्वायर, राइट। माइनस ऑफ, अगर आप लॉजिक से देखें तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, राइट। आप एक चीज बताइए कि ये 2 टाइम्स है, अब अगर लॉजिक से देखूं तो मैं ये 2 टाइम्स 1 स्क्वायर है फिर 3 स्क्वायर है ऐसा मिला है, ये 10 टर्म है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो सिग्मा एन स्क्वायर से निकाल सकते हो, फर्स्ट 10 टर्म का समेशन है एन आई इक्वल टू 1 टू 10। अच्छा यहाँ पर क्योंकि सीरीज ऑड की है तो क्या चीज़ नहीं है आपके पास, तो आपके पास इसमें कमी किसकी, सुनिए इसमें लास्ट टर्म मिलेगा 19 स्क्वायर, इसमें लास्ट टर्म मिलेगा 19 स्क्वायर, तो इसमें लॉजिकली जो कमी है वो है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। अगर इतना आपके पास होता, इतना अगर आपके पास होता ऑलरेडी तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो आप क्या करोगे, ये एक्स्ट्रा अगर हमारे पास होता तो कंटिन्यूशन हो जाता। अब जरा थोड़ा सोचिए, कहीं पे भी जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लगे कि आप थोड़ा सा लॉन्ग जा रहे हो तो उस पर फिर ये हमेशा सोचना चाहिए कि क्या इसका शॉर्ट हो सकता है। तो आप देखिए एक चीज़ समझिए, इसमें हम थोड़ा सा लंबा जा रहे हैं तो एक चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ अप टू कहाँ तक गए, 20 टर्म तक गए, तो 20 स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक काम ये भी कर सकता हूँ, इसको ऐसा लिख लूँ 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसको a माइनस b a प्लस b से लिखूँ तो ऐसा मिलेगा, और हर एक टर्म का डिफरेंस 1 है ऐसा कर लिया, ये भी एक तरीका हो सकता था एकदम दिमाग में आया, तो ये हुआ 3 4 प्लस 3 7 5 प्लस 4, देखिए इसमें करते जाइए कितना, ये एक मिनट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 11, और ऐसे चलते चलते 39 तक, और ऐसे 10 पेयर हो गए थे तो ये 10 टर्म हो गए, तो इन 10 टर्म का समेशन कर लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो एस 10 निकालोगे तो 10 बाय 2 ए प्लस एल, तो 10 इंटू 42 यानी 21, तो 210। अब देखिए जैसे मैंने ये स्टार्ट किया, स्टार्ट करके समझ में आया कि ये ऐड करूंगा फिर इसको 4 टाइम यहाँ पर, जैसे ये इसमें ऐड कर सकता था, तो यहाँ पर यही टर्म थे लॉजिकली देखें तो मैं डायरेक्टली इसको अगर ऐड कर रहा हूँ उधर तो यहाँ पर 2 टाइम्स कर सकता था, पर इन सब में थोड़ा सा टाइम बढ़ता हुआ लगा चेंज कर लिया। तो आपको कहीं पर भी लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि टाइम आप सेव कर सकते हो तो बेटर ये है कि आप उसको बीच में भी अगर समझ में आ जाए तो चेंज कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 25th नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा और क्या करना है इसमें। देखिए 25th क्वेश्चन में ये बोला गया है, लेट एफ एक्स बी अ पॉलीनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड एफ वन इक्वल टू एफ माइनस वन इफ ए बी सी आर इन ए पी देन एफ डैश ए एफ डैश बी एंड एफ डैश सी। ऑब्वियसली जब ए बी सी ए पी में होंगे एफ डैश बी एफ डैश सी भी किस में होंगे, ए पी में। जैसे आप एफ एक्स इक्वल टू चाहो तो इस तरह से ले सकते हो, एफ वन इक्वल टू जैसे ये ले लिया आपने मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने एक्स स्क्वायर ले लिया तो 1 पे भी वही आएगा माइनस 1 पे भी वही आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर भी दोगे तो 2x आएगा तो वो भी अगेन ए पी ही फॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कन्फ्यूज मत होइएगा, डायरेक्टली अगर ओरिजिनल फंक्शन ए पी में है तो उसका डिफरेंशिएशन भी ए पी में ही आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्या है, 26 क्वेश्चन में बोला है लॉग बेस एक्स वाई। लॉग के क्वेश्चन बहुत आते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी एक बार क्विक रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और हर जगह यूज होती है। लॉग बेस 2x इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ y, देन द वैल्यू ऑफ y कुछ इस तरह के ऑप्शन है 2 पावर 10 2 पावर 100 2 पावर 1000 2 पावर 10000 इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो log बेस 2x 100 10 दिया है यानी log x अपॉन log 2 आपको दिया है 10, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बेस चेंजिंग फार्मूला यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अच्छा इसमें आपने अभी कुछ बेस तो लिया नहीं है,
इसमें अगर आपने कोई बेस लिया होता तो अलग बात थी, अभी आप अगर इसमें बेस था तो 2 के साथ ले लो। अगर मैं यहाँ 2 के साथ लूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ log बेस 2y, log बेस 2x इक्वल टू 100, तो डायरेक्टली log बेस 2 की वैल्यू रख दूँ कितनी 10, तो log बेस 2y इक्वल टू 1000, एंटी लॉग लो तो y इक्वल टू 2 की पावर 1000, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। देन दिस इज द राइट आंसर। फिर समझ लीजिए क्या किया है, log बेस 2x 10 दिया है तो इसमें मैंने बेस चेंजिंग फार्मूला यूज़ किया। आपको पता है log बेस ए बी इक्वल टू होता है log बेस एक्स बी अपॉन log बेस एक्स ए, एंड रिमेंबर x ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मैंने बेस 2 के साथ ही इसको रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी डायरेक्टली वैल्यू रख दी 10, ये 1000 हो गया, एंड देन एंटी लॉग ले लिया। राइट, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 वाला टाइप जो है वो हमने कई बार किया है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए हैं इसमें। अब देखिए इसमें दिया है एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए बी सी, वाई इक्वल टू लॉग बेस बी सी ए, एंड जेड इक्वल टू लॉग बेस सी ए बी, देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 अपॉन 1 प्लस जेड इक्वल टू आपसे पूछा है। अब एक लॉजिक से समझिए कि इसमें अगर मैं आपसे बोलूं 1 ऐड कर दो तो ये बेस ए के साथ दिया, अगर मैं चाहूं तो 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं लॉग बेस ए या लॉग बेस बी बी या लॉग बेस सी सी। अब एक को समझाता हूं आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 होता है इस तरह के कई क्वेश्चन के। देखिए अगर मैं 1 प्लस लिखूं, 1 प्लस एक्स को चाहूं तो लिख सकता हूं लॉग बेस ए ए प्लस लॉग बेस ए बी सी, यानी लॉग बेस ए ए बी सी, और ऐसा भी लिख सकता हूँ लॉग ए बी सी अपॉन लॉग ए, यानी इसमें मिलेगा लॉग ए अपॉन लॉग ए बी सी, तो इसमें लॉग बी मिलेगा, इसमें ऊपर लॉग सी मिलेगा, तीनों ऐड हुए लॉग ए बी सी कैंसिल, आंसर 1। बाकी अभी समझाने के लिए इसमें मिलेगा लॉग बी अपॉन लॉग ए बी सी, इसमें मिलेगा लॉग सी अपॉन लॉग ए बी सी, तीनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, ये m इंटू n, m प्लस n प्लस p लग जाएगा तो log abc कैंसिल हो गया, देन रिजल्ट विल बी 1। यानी आप क्वेश्चन को देख के अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि अगर बेस स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप क्वेश्चन को इजीली मैनेज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखिएगा। 28 क्वेश्चन में बोला गया है द इक्वेशन cos p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस cos p इंटू एक्स प्लस साइन p इक्वल टू 0, वेयर x इज अ वेरिएबल हैज रियल रूट, देन द इंटरवल ऑफ पी, इसके रूट्स रियल हैं तो इंटरवल ऑफ पी बताना है। ऑप्शन इस तरह के 0 to 2π, माइनस पाई टू 0, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, एंड 0 to π। राइट, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉस पी माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस पी इंटू एक्स प्लस साइन पी इक्वल टू 0 पूछा है, तो सीधा सीधा रूट्स रियल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉस स्क्वायर पी माइनस 4 ए कॉस पी माइनस 1 इन टू साइन पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं लॉजिक से बताता हूँ, इसका माइनस कॉमन ले लूँ तो 4 साइन पी प्लस हो जाएगा इन टू 1 माइनस कॉस पी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कंसेप्ट समझना, ये पॉजिटिव नंबर होगा और इसकी रेंज 0 टू 1 में ही हो सकती है, ये भी पॉजिटिव या ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है क्योंकि कॉस की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0 या पॉजिटिव होगा। अब पूरा खेल इस पे साइन पी पे और उसके आगे 4 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे प्लस 4 से माइनस 4 तक मिल सकता है, यानी सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम देखें कि रूट्स रियल है तो 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, उसी के बाद निगेटिव होता है, तो बस करेक्ट आंसर यही हो गया क्योंकि आपको रियल रूट बताना है।
जीरो से टू पाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि थ्री पाई बाई टू रख देते तो ये माइनस फोर हो जाता, ये तो जीरो हो जाता है, माइनस फोर हो जाता, लेस देन इमेजिनरी आ जाता। यही बात यहां पर अप्लाई होती, यही बात यहां पर अप्लाई होती, यानी आपका अगर कंसेप्ट आप लॉजिकल देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं कि साइन एक्स है तो साइन एक्स की रेंज हमें पता है माइनस वन से वन, कॉस एक्स है रेंज वही माइनस वन से प्लस वन, बट साइन स्क्वायर एक्स है रेंज हो गई जीरो टू वन, यानी कितने बेसिक कंसेप्ट से पेपर बनता है। और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी, फायदा होगा, राइट। नोट करिए क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है 29 क्वेश्चन में क्या बोला है सुनिए, 29 क्वेश्चन में बोला गया है, 29 क्वेश्चन बोला गया है द वैल्यू ऑफ के विच द सेट ऑफ इक्वेशन 3x प्लस के वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, एक्स प्लस के वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0 हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ के बोली है तो एक सिंपल सा लॉजिक हुआ कि आपको डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट करना है, यानी सीधा सीधा इसकी बनाने जरूरत नहीं है, चाहो तो बना लो 1k 3 2 3 माइनस 4, राइट। चाहें तो एक जीरो भी बना सकते हैं, जैसे ये के रिमूव हो जाएगा, अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो ये होगा 3k माइनस 2 माइनस 2 0 5 2 3 माइनस 4। अब बस के लिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये जीरो हो गया, ये माइनस 15 तो माइनस ऑफ 45, फिर के लिए करेंगे प्लस के तो 10 माइनस 8 10 माइनस ऑफ 8, माइनस 2 के लिए करिए तो माइनस ऑफ 6, दिस शुड बी जीरो, ये हो गया माइनस 45 प्लस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट। तो k इक्वल टू, ये देखिए k इक्वल टू आ गया 33/2, राइट, k इक्वल टू 33/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में बोला है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और बोला गया है इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट एवरी रीड्स 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। देखो 300 स्टूडेंट है एंड एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर्स एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने पर हो सकते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इन अ कॉलेज ऑफ, टोटल कॉलेज में 300 स्टूडेंट है और 5 तरह के न्यूज़पेपर्स आते हैं। अब बोला है एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, अगर एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर तो इसका मतलब 300 इंटू 5 कर दो तो 1500 हो गया, राइट, 1500 हो गया। अब एक बार बताइए, बोला है एंड एवरी न्यूज़पेपर रीड बाय 60 स्टूडेंट, टोटल एक तरह से समझ लीजिए कि 1500 हो गए और 60 स्टूडेंट रीड एंड एवरी न्यूज़पेपर रीड बाय 60 स्टूडेंट, बस इसका डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया देखिए 25, राइट। तो 25 इज अ राइट आंसर, एग्जैक्टली 25 होगा। नेक्स्ट आते हैं 31 पर, थोड़ा सोचिएगा, 300 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट को 5 न्यूज़पेपर रीड करना ही, न्यूज़पेपर तो मैंने 300 इंटू 5 किया तो 1500 एक तरह से हो गया और 1500 डिवाइडेड बाय 60 इसलिए किया क्योंकि हर न्यूज़पेपर को 60 बच्चे यूज कर रहे हैं तो 25। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वलिटीज लॉग बेस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 प्लस लॉग बेस 1/3 एक्स प्लस 2 लेस देन 1/2 लॉग बेस रूट 37। अब देखिए आप अगर हैं तो आप यानी सारा खेल है कि आप कितने कंसेप्चुअली कर रहे हैं। अब आप समझना कि लॉग में जैसे आपने पढ़ा है लॉग एम पावर एन एन लॉग एम
ये साउंड देखना कहां से आ रहा है, n log। अब अगर यहां पर एक चीज, अच्छा बेस में भी अगर कोई है जैसे log a पावर p m पावर n, तो n बाय p log बेस a m। पर अगर मैं इसको चाहूं तो 3 पावर माइनस 1 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब यही कहीं क्वेश्चन पे ये माइनस 1 आ जाएगा, ये 3 बचेगा। अब माइनस 1 से डिवाइड होगा तो ये भी कैंसिल, ये रूट 3 है यानी 3 की पावर हाफ हो गई, हाफ हाफ से कैंसिल तो लॉग 7 बचा। एक तरह के पास ये बचा लॉग बेस 3 एक्स प्लस 4 लेस देन लॉग बेस 3 7 यानी एक्स प्लस 4 लेस देन 7 यानी एक्स लेस देन 3। अब नहीं देंगे, एक और बात समझिए, ये log के टर्म में है तो एक बात समझ लीजिए, log x plus 2 है तो x plus 2 को greater than 0 तो होना चाहिए, नहीं x greater than minus 2 होना चाहिए, तो minus 2 से 3 के बीच right नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा बेस पे कंसेप्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, और जरा कंसेप्ट के साथ समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा और इजीली कर भी सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा 6 प्लस बीटा 6। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया और पिछली बार भी कई बार बताया हुआ है कि कभी भी ये इक्वेशन हो तो इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और कभी भी ये इक्वेशन हो राइट तो इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिए, तो इसको उसी टर्म में लेके जाएंगे हम, अभी अगर आप मेथड से करें तो एक्स इक्वल टू होगा बी प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर माइनस 16 अपॉन 2 यानी 2 प्लस माइनस माइनस 12 मिला तो 2 रूट 3 आयोटा बाय 2 राइट। अब एक तरह से ऐसा मिल गया आपको 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा एक्स इक्वल टू। अब जरा समझिएगा आप कंसेप्ट कि जब हम ओमेगा की वैल्यू रखते हैं तो ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, ओमेगा स्क्वायर की होती है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। ये है कुछ तरह का, बट अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन, जैसे अगर मैं माइनस 2 ओमेगा लिखूं, मान लीजिए इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा बचेगा, इसको चाहूं तो 2 ओमेगा स्क्वायर लिखूं माइनस के साथ तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा बचेगा। देखिए अगर एक बार प्लस साइन लेंगे तो यही आएगा, माइनस साइन लेंगे, यानी आपको एक तरह से अल्फा इक्वल टू दिया माइनस 2 ओमेगा और बीटा इक्वल टू दिया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये पावर इवन है, इवन पावर में हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा कंसेप्ट कि जब भी कभी इवन पावर दी हो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओमेगा क्यूब 1 होता है ओमेगा पावर 3n, ये बेसिक कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, 3n प्लस 1 होता है ओमेगा और 3n प्लस 2 होता है तो देन ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी मिला 2 की पावर 6, ये भी मिला 2 पावर 6 यानी 64 प्लस 64 इक्वल टू 128 आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी भी एग्जाम में देखोगे तो आपको कई सारे कंसेप्ट अच्छे से आपको वर्क करना चाहिए और समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए क्या क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x1 प्लस 7x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 13 द सिस्टम हैज। अब देखिए जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने मैट्राइस डिटर्मिनेंट में पढ़ा, और मैंने स्पेशली बोला था कि यहाँ पर हमेशा आप डिटर्मिनेंट मेथड को ही यूज करना, अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट मेथड डेल्टा चेक करो, सबसे पहले डेल्टा डायरेक्टली निकालने की कोशिश करो, 8 माइनस 3 5 3 जब 15, 2 माइनस 2 तो माइनस 14, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये 0 आ रहा है। डेल्टा 0 आने से एक बात कंफर्म हो गए कि दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, एक यूनिक सॉल्यूशन और 3 वाले वो खत्म हो गए। अब बात आती है हम डेल एक्स और देख लें,
डेल एक्स के लिए आप एक काम करो, एक्स के प्लेस वाले को चेंज कर दो, तो 2, 3, 13, 7, 2, 3 जितना स्पीड में कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। 8 माइनस 3, 5 ये 10, 13 माइनस 12 ये 10 है, ये हो गया 13 माइनस 12 यानी मिला आपको 1, तो प्लस का 7, 9 माइनस 26 मतलब -17 ये 0 है। अच्छा डेल्टा एक्स 0 है और डेल्टा भी 0 यानी सभी 0 मिलेंगे, तो इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, और समझिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। हर क्वेश्चन में मैंने ये कोशिश की है कि आप समझ पाएं कि क्या करना है, किस ढंग से पढ़ाई को कैसे करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 34 की, तो देखिए 34 क्वेश्चन में क्या बोला है। द नंबर ऑफ डिस्टेंट सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई, द नंबर ऑफ डिस्टेंट सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए इज एनी रियल नंबर कैन ओनली, क्या क्या ऑप्शन है देखिए, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 0, 1 और 3, 0, 1, 2 और 4, 0, 2, 3 और 4। अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो हमें ये बोला है कि इस इक्वेशन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे उससे कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टेंट सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वेयर ए इज एनी रियल, लॉजिकली देखें तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ए 0 है, रेडियस 1 है, ये पेयर ऑफ वो स्ट्रेट लाइन है प्लस माइनस एक्स की। अब हो सकता है डायग्राम से करेंगे जल्दी हो जाएगा, हो सकता है कि सर्कल कुछ ऐसा हो कि इसका सेंटर है ए 0, रेडियस 1 और लाइन ऐसी जा रही हो, ये वाई इक्वल टू एक्स हो गई, ये वाई इक्वल टू माइनस, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा यानी 0 सॉल्यूशन इस केस में पहला। अब देखें सभी ऑप्शन में 0 है, इसका मतलब पहला तो ये केस हो गया। अब सेकंड केस पे अगर हम जाएं तो हो सकता है कि सर्कल इसको टच कर रहा हो, देखिए इस डायग्राम से एक चीज़ और समझ में आई कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि सर्कल टच ही कर रहा हो, ये ए 0 है, अगर सर्कल टच कर रहा होगा ये रेडियस 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में 2 सॉल्यूशन, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा एक्स वाई का, एक यहाँ मिलेगा, यही पूछा है आपसे, तो 2 सॉल्यूशन। अगर सपोज सर्कल ओरिजिन से ही पास हो तो क्या होता, ठीक है। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके दिमाग में, ये आ सकता है कि सर्कल ऐसा जा रहा हो तो क्या होगा, तो भी इस केस को भी अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो ही दो पॉसिबिलिटी निकलती, तो भी दो ही पॉसिबिलिटी निकलती, यानी ये दोनों एक ही केस हैं। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ही हो, तो ये हो गया। इस केस में कितने सॉल्यूशन, इस केस में भी अगर आप ध्यान दें तो 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉरी सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, अगर होता पासिंग थ्रू, ये तो सेंटर 0 ये है ओरिजिन पे है, पर अगर ऐसा होता मतलब वो दो केस वाले ही केसेस हैं इसी तरह का है। अब एक पॉसिबिलिटी ये कि सर्कल ओरिजिन से जाए, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, अब 3 पॉइंट मिल गए, एक 0 0, एक ये आ गया एक ये आ गया, इस केस में 3 मिले। तो देखिए अभी 1 वाला नहीं मिला, तो 0 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 0 2 3, अगर देखें तो ये इसमें भी 1 है ये रिजेक्ट, इसमें भी 1 है ये रिजेक्ट, इसमें भी 1 है ये रिजेक्ट, बचा ये ऑप्शन। अब 4 कब मिलेंगे वो भी समझ लीजिए कि हो सकता है कि सर्कल कुछ ऐसा हो, लाइन कुछ ऐसी जा रही हो, तो ये 2 पॉइंट्स ये 2 पॉइंट, यानी ये 4 भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते थे, तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 35 है, समझिएगा अच्छे से, और हर क्वेश्चंस को आप कम से कम 2-3 टाइम्स करिएगा, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, राइट। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। 35 में बोला है इफ अल्फा इज अ नॉन रियल रूट्स ऑफ एक्स पावर 6 इक्वल टू 1 देन इवैल्यूएट अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और कुछ इस ढंग से ऑप्शन दिए हैं अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा एंड माइनस अल्फा स्क्वायर, समझिएगा इफ अल्फा इज अ नॉन रियल रूट्स ऑफ एक्स पावर 6 इक्वल टू 1। अब सबसे पहले नॉन रियल रूट्स मतलब इमेजनरी रूट्स की बात कर रहा हूँ, अभी करा इस तरह का क्वेश्चन,
एक्स पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो इसको हम अलग, इसके फैक्टर ये बनेंगे, ये अभी मैंने आपको बताया था, देखिए आप बार बार इस चीज़ को, ये आता है, ये कंसेप्ट अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके टू रूट हो गए 1 माइनस 1, इसका ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अल्फा बोला है नॉन रियल रूट, मतलब इमेजनरी, कोई भी एक मान लो इसमें से अल्फा, कोई भी जो मर्जी हो, सबसे छोटा ले लो, मान लो आपने अल्फा ले लिया ओमेगा। अब ओमेगा पावर 5 मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस 1 अपॉन ओमेगा यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब माइनस का अल्फा स्क्वायर, राइट? क्लियर है बात? नोट करिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या क्वेश्चन है समझिएगा। 36 क्वेश्चन में बोला गया है, 36 क्वेश्चन में बोला गया है, इफ A1, A2, A3 अप टू AN आर इन AP, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, A1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू पूछा है, A3 बाय A2 प्लस A4 बाय A3 प्लस AN बाय AN-1 माइनस ऑफ A2 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 अप टू 1 अपॉन AN-2 इज इक्वल टू, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए इसको, क्योंकि हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, N-2 प्लस 1 अपॉन N-2, बी है 1 अपॉन N-2, सी है N-2, डी है N-1 अपॉन N-2। देखिए कभी भी वैल्यू लेके करें तो याद रखिएगा, ऑप्शन से कभी भी करें तो पहले वैल्यू ऑप्शन में रखें, जिससे ये पता चल जाए कि कौन सा आंसर रॉन्ग है, मतलब कोई दो ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहे, कर रहे हैं तो अभी के अभी एन की वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। अब जैसे 2 तो रख ही नहीं सकते, 3 रखते तो 3 पे ये 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, और 3 रखते तो 3 माइनस 1 2 यानी 3 काम करनी, तो एन की वैल्यू अगर 4 ले लूँ मैं, तो अगर एन की वैल्यू 4 ली है तो देखिए 4 माइनस 2 2 प्लस 1 अपॉन 2 5 बाय 2, यहाँ 4 रखते तो 1 बाय 2, यहाँ 4 रखते तो 2, यहाँ 4 रखते तो 4 माइनस 1 बाय 2 7 बाय 2, सभी ऑप्शन अलग अलग हैं। अब n की वैल्यू 4 यानी 4 टर्म लो, 4 टर्म कौन कौन से होंगे, a1 0, a2 2, कुछ भी मान ले, a3 4, a4 6, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में a1 को 0 बोला गया इसलिए ऐसा लेना पड़ा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो A3 अपॉन A2 कहाँ तक जाना, AN तक, तो A3 अपॉन A2 मतलब 4 बाय 2 प्लस 6 बाय 4, बस इसके आगे नहीं जा सकते, ये हो गया 2 प्लस 3 बाय 2 7 बाय 2, तो ये आ गया। अब इस पार्ट पे आओ, A2 तो 2 माइनस का ये 1 अपॉन A2 मतलब 1 बाय 2, राइट? अब इसमें N-2 तक जाना है, तो N अगर 4 है तो बस यहीं तक जा सकते हो आप, बस ख़त्म, तो ये माइनस 1, यही छोटी चीज़ है। अब 7 बाय 2 माइनस 1 करूँ तो कितना 5 बाय 2, देखिए 5 बाय 2 किस में, ए ऑप्शन में, दिस इज द राइट आंसर, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 37 क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने ये किया है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्वेश्चन है। 37 है, इफ 1 प्लस x पावर n इक्वल टू a0 प्लस a1 a1x होगा, a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू anx पावर n, देन आपसे बोला है 1 प्लस a1 अपॉन a0 1 प्लस a2 अपॉन a1
अप टू 1 प्लस ए एन अपॉन ए एन माइनस 1 इक्वल टू, ये पूछा आपसे। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए, n पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, n प्लस 1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, n की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अगर हम कंसेप्चुअली समझें, मान लो मैं इसको वैल्यू लेके करना चाहूँ और n की वैल्यू 2 लूँ तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 बाय 2 2, यहाँ पर 2 लिया तो 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 बाय 2, यहाँ पर आया तो 2 का क्यूब हो गया 8 बाय फैक्टोरियल 3 यानी 6, और अगर 2 यहाँ लिया तो 1 बाय फैक्टोरियल 2 यानी 1 बाय 2। इसका मतलब हम n की वैल्यू 2 ले सकते थे, यानी हम 1 प्लस एक्स के स्क्वायर से भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, 1 प्लस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए नॉट हो गया 1, ए 1 हो गया 2, ए 2 हो गया 1। जाना कहां तक है, ए एन तक, तो ए एन क्या हो गया हमारे लिए, ये 2 हो गया। अब देखिए एक तरह से 1 प्लस ए 1 अपॉन ए नॉट 2 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस ए 2 अपॉन ए 1, राइट। अब एक तरह से ये आ गया कितना, ये आ गया 3 इंटू, ये आ गया 3 बाय 2 यानी कि 9 बाय 2। अब देखिए 9 बाय 2 किसी ऑप्शन में है, है, ये दिख रहा है 9 बाय 2, यही इसका राइट आंसर हो गया। यानी आपके पास टेक्निक्स इतनी अच्छी होना चाहिए कि आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएं, आपका टाइम भी बचे, आप क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करनी चाहिए, पर इन सब के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, पहले पूरा बेसिक बनाओ, पूरा कंसेप्ट बनाओ, उसके बाद ही अगर आप ट्रिक सीखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नोट कर लीजिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 38 क्या क्वेश्चन है, समझिएगा 38 क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है और कैसे करना है इसको सॉल्व, वो भी देख लीजिए। 38 क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ डिस्टेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, द नंबर ऑफ डिस्टेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 पावर 2 ए माइनस 3 इंटू 2 पावर ए प्लस 2 प्लस 2 की पावर 5 इक्वल टू 0। मतलब लॉजिकली 2 पावर a का स्क्वायर ऐसा है माइनस 3 इन टू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 2 की पावर a प्लस 32 इक्वल टू 0। 2 पावर a को चाहो तो x मान लो, तो ऐसा है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0, 8 4 जा तो x की वैल्यू हो गई 4 और 8, 4 लोगे तो a की वैल्यू 2, 8 लोगे तो 3। तो आपसे बोला था नंबर ऑफ डिस्टेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, तो आंसर होगा 2 डिस्टेंट वैल्यू आ सकती हैं, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 39 क्या क्वेश्चन है, समझिएगा, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। 39 क्वेश्चन में बोला फ्रॉम 50 स्टूडेंट टेकिंग एग्जामिनेशन इन, 50 स्टूडेंट टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 37 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 24 फिजिक्स एंड 43 केमिस्ट्री, ओके। एट मोस्ट, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया एट मोस्ट 29 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एक मिनट, 19 है मैथ्स एंड फिजिक्स, सॉरी ये वो सही लिखा था, 29 मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री सही था, 19 है मैथ्स एंड केमिस्ट्री, एटमोस्ट 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास ऑल थ्री एग्जामिनेशन, कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब देखते हैं देखिए क्या है। एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक हो सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं कि ये अधिक से अधिक ही ले लेते हैं, ये हो गया मैथ्स, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री। अब एटमोस्ट है तो थोड़ी देर के लिए मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 29 यही ले लेते हैं, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 20 इसको x मान लीजिए,
और मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, एक मिनट, 29 है मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले, 20 है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड 19 होगा मैथ्स, मैथ्स एंड फिजिक्स होगा, एक मिनट देख लेते हैं क्या है, 19 पास्ट मैथ्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है वही, राइट। अब ये एक दिया है, ये भी 37, हम ऐसा लिख रहे हैं, 37 नहीं है, पूरा कम होगा ये, 20 फिजिक्स 24 और केमिस्ट्री 43। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए एटमोस्ट में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ समझा कर इसमें हम देखें, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला लिखने में आप टाइम मत खर्च करना, मैं तो समझा रहा हूँ, इसलिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए माइनस एन बी माइनस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर देखें तो टोटल 50 स्टूडेंट हैं, ये फिक्स है 37, ये भी फिक्स है 24, ये भी फिक्स है 43, राइट, ये 43, मतलब ये हो गया 80 104, माइनस अभी थोड़ी देर के लिए ये, इसको हम मान लेते हैं कि अभी ये मैक्स फिगर, ये 19 प्लस 29 प्लस 20 और प्लस ऑफ एक्स। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये 50 है, ये 104 है, माइनस इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 29 है ये, राइट, तो ये हो गया 48 प्लस ये हो गया 20, ये एक मिनट ना, 29 20 एंड 19 ही दिया ना, वो चेक कर लें, एक मिनट, 19 29 एंड 20, ठीक है, 39 49 प्लस 9 58 68, ये हो गया 68 एक तरह से, प्लस ऑफ एक्स थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब एक चीज़ बताइए कि अगर मैं इसको इसके साथ माइनस कर दूं, अभी इसको अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री माइनस रहने दें तो ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 54 इक्वल टू माइनस ऑफ 68 प्लस ऑफ एक्स, राइट। अब ये इधर गया, मतलब अभी इसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री एटमोस्ट बोला है तो एक्स इक्वल टू आप बोलेंगे माइनस 54 प्लस 68, ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एक्स आएगा, क्योंकि एटमोस्ट अधिक से अधिक पूछा है, तो इसका मतलब ये सभी मैक्सिमम ले लें तो आप इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 39 नंबर, और ये 39 ही था, 40 क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको कैसे करेंगे सिंपलेस्ट वे में, वो समझते हैं। 40 क्वेश्चन में बोला गया क्या है वो देखिए, क्या ए एंड बी, ओके, ए एंड बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सी डी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट सी डी हैं, देन द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू पूछिए, देखिए ई इक्वल टू ए माइनस सी बी माइनस सी ए प्लस डी एंड बी प्लस डी इज। अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं जरा समझें, तो इसके ऑप्शन दिए हैं पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर एंड नन ऑफ दीज, राइट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल, अगर मैं इसमें वैल्यू लेके करना चाहूँ तो कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू ले लूँ एक्स स्क्वेयर माइनस पी की वैल्यू 2 ले लेते हैं सपोज, प्लस 2 भी ले सकते हैं, माइनस 2 प्लस 2 ले लीजिए, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स आ गए -1 -1, राइट, इसके रूट्स आ गए -1 -1, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 ले लिया, यानी ए की वैल्यू हो गई -1 और बी की वैल्यू भी -1, ठीक है। इस इक्वेशन में एक काम करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट बनाने के लिए ये भी ले सकते हैं हम कि क्यू की वैल्यू 1 ले ली, यहाँ पर पी की वैल्यू 2 ली, क्यू की वैल्यू 1 ले ली, राइट। अब इसके रूट क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये भी तरीका, कई बार इस तरह से भी सोचना चाहिए। अब देखिए मैं लिखना चालू करता हूँ, ये हो गया एक, हो गया सी,
एक हो गया डी, ए माइनस सी माइनस वन। अच्छा अगर मान लीजिए आप इसको माइनस टू लेते पी को, पी को अगर माइनस, चलो रहने दो टू, ठीक है। अब ये माइनस वन, सी की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा, बी माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस डी यानी माइनस वन प्लस ओमेगा, एक मिनट, ए प्लस, ए प्लस डी और बी प्लस डी, ए प्लस डी है ठीक है, ए प्लस डी है मतलब ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर दोनों बार में सी है याद रखिएगा, तो मैं ए वन माइनस ओमेगा वन माइनस ओमेगा, वन माइनस माइनस वन ओमेगा स्क्वायर, बी की जगह भी माइनस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये कितना अच्छे से देखिए, अब इसके माइनस कॉमन लिया तो वन प्लस ओमेगा, इसका भी माइनस कॉमन लिया तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये एक तरह से ओमेगा स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है राइट। अब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये एक थोड़ा अलग तरह से समझाने के लिए ले रहा हूं, तो ये होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर टू। यहां पर आइए तो आप जब ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा फोर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस वन राइट। अब देखिए ये हो गया ओमेगा की पावर फोर, ये बचा ओमेगा क्यूब और माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, एक तरह से मेरे पास ओमेगा इन टू वन प्लस वन हो गया टू, टू माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या आएगा, टू ओमेगा माइनस टू ओमेगा क्यूब यानी माइनस टू, एक तरह से टू इंटू ओमेगा माइनस वन आ गया राइट, टू इंटू ओमेगा माइनस वन आ गया। अब आप एक काम करें कि इसमें से देखें कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता था, तो क्या करेंगे इसमें देखिए जरा आप ध्यान से रखिएगा वैल्यू, अब 2 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बोला है, पी स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें एक बार चेक कर लीजिए जरा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, ए डी है तो डी को मैंने लिया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस वन ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ओपन किया तो ओमेगा फोर, ओमेगा फोर होता है ओमेगा, ओके ओमेगा फोर होता है ओमेगा, तो मुझे यहाँ लिखना था ओमेगा, ये गड़बड़ हो गई, देखिए कहीं पे भी गड़बड़ होगी तो समझ में आ जाएगा क्योंकि ओमेगा के टर्म में नहीं आना था, ये तो ओमेगा फोर ठीक है, यहाँ पर हुआ ओमेगा फोर मतलब ओमेगा, देखिए ये मिल गया आपको ओमेगा फोर, ये मिला ओमेगा, वन प्लस ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर, और ये बचा ओमेगा माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर देन माइनस थ्री ओमेगा क्यूब यानी माइनस ऑफ थ्री। अब ये वैल्यू रख के देखिए कौन सा माइनस थ्री दे रहा है, तो ये अगर मैं रख दूं क्यू की वैल्यू वन और पी की फोर तो ये आंसर आ जाएगा राइट। यहां पर ध्यान रखिएगा ओमेगा फोर था तो जो ओमेगा बचेगा वो लिखना था, चलिए तो आंसर हुआ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 41 क्या क्वेश्चन है, 41 समझिएगा और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। 41 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 41 क्वेश्चन में बोला है सपोज सपोज ए बी सी आर एन ए पी, ए बी सी आर एन ए पी ठीक है विथ कॉमन डिफरेंस डी, देन ई पावर वन बाय सी, ई पावर बी बाय ए सी एंड ई पावर वन बाय ए आर एन। अब देखिए ये ए पी में है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू या टू बी इक्वल टू, अच्छा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए अब इसको प्लस करोगे तो बेस के साथ कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, मान लो कि ये जीपी में है, मान लो ये जीपी में है तो उससे कंडीशन आनी चाहिए, तो जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी, तो उस कंडीशन से देखें तो ई पावर टू बी अपॉन ए सी इक्वल टू ई पावर वन बाय सी प्लस वन बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ गया, टू बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन ए सी, ये कैंसिल यानी ये करेक्ट है, यानी ये इसका आंसर हुआ जीपी। वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन जिसमें बेस कुछ अलग हो तो ये जीपी ही मिलेगा राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन,
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा और बहुत अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन को। और देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0.36 लॉग बेस 0.25 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। बिल्कुल मेंटली कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में ये क्या है, 36/100, ये एक तरह से लॉग बेस 25/ मतलब 1/4 हो गया, 1/4, और ये a अपॉन 1 माइनस r, राइट। अब इसको चाहे तो आप 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो यानी 36 अपॉन 100 इंटू 2 आ गया, और यहाँ पर मिलेगा लॉग बेस 1/2, और ये भी 1/2 ही बचा, ये 1 हो गया, तो ये आ गया 0.18। 0.18 इज अ राइट आंसर, यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप मैनेज कर सकते थे। नोट करिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए 43, क्या क्वेश्चन है 43 समझिएगा और कैसे करना है वो भी समझिएगा। 43 क्वेश्चन में बोला है, इफ ए बी एंड सी आर रियल डिस्टेंट पॉजिटिव नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेस देन 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1, एनी रियल नंबर। अब देखिए एक लॉजिक समझिएगा, अगर किसी 3 नंबर के स्क्वायर का सम 1 है, वैसे भी याद रखिए अगर मैं x की वैल्यू बोलूँ 0.1 है तो x स्क्वायर 0.01 होगा, अगर x की वैल्यू मान लीजिए 0.2 है तो x स्क्वायर 0.04 होगा, यानी और छोटा हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि a स्क्वायर पॉइंट ले लीजिए 0.4, बी स्क्वायर मान लीजिए 0.5, सी स्क्वायर ले लीजिए 0.1, ये हो गया 1। अब इनका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो इससे बड़ा आएगा। अब एक चीज समझिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी, राइट, ये दिया है 1। अब ये जो होगा, ये इसका मतलब जो भी इसका स्क्वायर करोगे, बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा, पर अगर सपोज इसका स्क्वायर करा भी तो ये 2 के आसपास आएगा, 2 से कम, तो ऐसा बोल सकते हो आप, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1 पॉइंट समथिंग मिला और माइनस 1 किया और 2 इंटू दिस किया, तो अब ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिला डिवाइडेड बाय 2, यानी लेस देन 1। तो इसका आंसर हमेशा याद रखिए, लेस देन 1, कोई भी वैल्यू लेके आप इसको इजीली समझ सकते हो, तो इसका आंसर हुआ लेस देन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए क्या है। 44 क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर 10/30 and 10/15, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी इज, ठीक है, आपको बोला गया है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले एक रूट है 10/30, एक है 10/15। अब देखिए एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10/45 क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 30 प्लस 15, राइट, इस तरह का क्वेश्चन और क्या था, तो 10/30 10/15 अपॉन 1 माइनस 10/30, स्मार्ट इसके लिए यूज करना 10/15, ये हो गया 1, ये सम ऑफ रूट्स हो गया जो कि माइनस पी है, 1 माइनस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, तो एक तरह से 1 माइनस q इक्वल टू माइनस p, या ऐसा भी बोल सकते हैं p माइनस का ही, ठीक है, तो 1 इक्वल टू q माइनस p, इक्वल टू में प्लस टू बोला है तो प्लस टू यहाँ पे भी कर दीजिए, तो करेक्ट आंसर हो गया 3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है 45 क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है, कैसे करेंगे समझते हैं। 45 क्वेश्चन में बोला है, इफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बी 11 देन एन इक्वल टू, मीन बोला है तो ये तो सीधा सीधा मीन ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर बोला है, तो इसका मतलब आपको द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर भी 11 देन एन इक्वल टू, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर अपॉन एन, दिस इक्वल टू 11 दिया हुआ है। आप चाहो तो वैल्यू लेके भी कर सकते हो, कैसे, जैसे इसमें एन की वैल्यू, जैसे मान लो
इंटीजर वाली देखें, 11, 5, 4, मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए छोटे पे जाएं 4, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर बाय 4, ठीक है, 16 प्लस 9 25, 30 बाय 4, ये कैंसिल, ये 11 नहीं आएगा, आपको मीन कितना दिया है 11। अब आपने मान लो 5 लिया, तो 5 मतलब 1 का 25, n इंटू एन प्लस 1, देखिए ऐसा होगा n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6, और एक ये n, n से n कैंसिल, ये 11 दिया। अब आपने अगर n की जगह 5 रखा, तो 5 प्लस 1 कितना, 6 बाय 6, और ये 11, तो करेक्ट आंसर इज 5, राइट, करेक्ट आंसर इज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है 46, क्वेश्चन में बोला है, आपसे भी हो जाएगा ये, a इक्वल टू 500, 5 अल्फा, अल्फा 0, अल्फा 5, अल्फा 5, इफ ए स्क्वायर 25 देन अल्फा, तो ये तो आप कर सकते हैं इजीली, इसका स्क्वायर करिए और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपको दिया हुआ है 25, तो आपको a बताना क्या होगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47, ये भी आपसे इजीली बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, 48 भी इजीली हो जाएगा क्योंकि आपको a a डैश दिया हुआ है, 9i कंपेयर करना है, 49 भी आपसे हो जाएगा, ये हमने करा हुआ एपी का, लॉग बेस ऐसा है 1 लॉग बेस 9 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 लॉग बेस 3 4 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1, इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, इसको लिखो लॉग बेस 3, इसको लिखो 1 बाय 2 लॉग बेस 3 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 और ये है लॉग बेस 3 4 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1, ये एपी में दिए हैं, तो 2 टाइम वहाँ मिड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक्स पूछा है तो डायरेक्टली ऑप्शन रख दीजिए, राइट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो जो है उसमें क्या करना देखिए, और बहुत अच्छा पेपर था, मैंने पूरी कोशिश करी कि आप समझ पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 टाइम जरूर करिएगा। इफ 100 टाइम द 100 टर्म्स ऑफ एन एपी इज नॉन कॉमन जीरो इज 50 टाइम्स ऑफ 50 टर्म, ठीक है, कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो दिया, इफ 100 टाइम्स द 100 टर्म ऑफ एन एपी विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू द 50 टाइम्स ऑफ 50th टर्म देन 150 टर्म ऑफ एन एपी, आपसे 150 टर्म पूछा है, यानी ए प्लस 149d पूछा है, कहीं ना कहीं सही कंडीशन मिलेगी, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 2 इक्वल टू ए प्लस 99d इक्वल टू ए प्लस 49d, ये 2a हो गया तो a बचा, ये 198 में 49 गया तो 149d बचा, दिस इक्वल टू 0, तो आंसर इज 0, राइट। तो इस पेपर में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए, बस आप कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो इस पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, बहुत अच्छे से फाउंडेशन बना के पढ़ाई करो, कभी भी ट्रिक्स के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो, उससे कंसेप्ट भी आएंगे ट्रिक्स भी बनेगी, तो क्वेश्चंस अच्छे से एक बार और सॉल्व करिएगा, पेपर को जितना बार सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी स्पीड एक्यूरेसी आती है, और यही चीज़ हमारे फाइनल एग्जाम में कहीं ना कहीं काम करती है, राइट।